The internet is full of bro science, fake knowledge, half information, or propaganda. Your quest of reliable, authentic health information ends here. So subscribe this channel and hit the bell icon, and you never have to go anywhere else ever again. So we are going to talk about smoking and risk of COVID-19. क्या अगर आपने ज़िंदगी में कभी एक भी सिगरेट पी है, तो फिर आपकी बीमार होना या आपकी जान को खतरा है या नहीं? डरा नहीं रहा हूँ, ये सिर्फ बता रहा हूँ कि आपका थोड़ा सा अटेंशन हमारे पास आए. सो अटेंशन प्लीज. सी, अकॉर्डिंग टू, अगर हम रिकमेंडेशंस माने मेडिकल फील्ड की, तो स्मोकिंग इज वेरी लाइकली कि वो इस, मतलब स्मोकिंग के नुकसान है ये बताने की जरूरत तो है नहीं भाई. बच्चे बच्चे में दिमाग है, स्मोकिंग खराब है, जानलेवा है, सिगरेट के पैकेट पे लिखा है, वो तो सबको पता है. ऑब्वियसली स्मोकिंग से लंग्स खराब होते हैं, कोरोना से लंग्स खराब होते हैं, तो ये समझने वाली बात ही नहीं है कि स्मोकिंग और कोरोना साथ में होगा तो प्रॉब्लम बढ़ेगी पड़ेगी. मगर कितनी बढ़ेगी और एक्चुअली कितना प्रॉब्लम आएगा? स्मोकिंग इज लाइकली टू बी मोर वल्नरेबल एंड इट विल ट्रिगर. क्या ट्रिगर करेगा? आपका इम्यून सिस्टम टू बी हाइपर रिस्पॉन्सिव. एक तो नॉट फॉर डिफेंस, फॉर अटैक, फॉर साइटोकाइन स्टॉर्म हो सकता है. पॉसिबली इवन आपका स्मोकिंग से फैल भी सकता है, सिगरेट कंटामिनेशन. जी हाँ, सिगरेट आपने खरीदी, उसको मुंह में लगाया, उसके ऊपर लगा हुआ था, उससे भी फैल सकता है कोरोना वायरस इन कॉन्टैक्ट विद द लिप्स. यस. और ये हैंड टू माउथ ट्रांसमिशन भी बढ़ाता है. हाथ में आपके, इवन ऐसे सिगरेट पे नहीं लगा, हाथ में लगा है, हाथ से आपने सिगरेट को छुआ, फिर सिगरेट मुंह में डाली, हो गया, वहां से वहां आपके हाथ नहीं धोए. सो इतना आसान नहीं है भैया. स्मोकिंग करना रिस्की है, वैसे ही रिस्की है, और ये कोविड के साथ और भी रिस्की है. आप कोविड फैलाएंगे भी, खुद को भी होने के चांसेस होगा. और एक बार स्मोकर जो ऑलरेडी स्मोकर है, उसके ऑलरेडी लंग में डिजीज है, COPD है, अस्थमा है, जितनी भी सांस की प्रॉब्लम है, दैट इज ऑब्वियसली डेंजरस, ऑब्वियसली कॉज अलॉट ऑफ प्रॉब्लम. सो इट विल रिड्यूस योर कैपेसिटी टू हैंडल इन्फेक्शन, सीरियस इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाएंगे. और ना सिर्फ स्मोकिंग, दूसरे वाटर पाइप्स, हुक्का, तंबाकू, बीड़ी, सारे के सारे एक ही इसमें आते हैं, पाइप हाउसेज, ये सारे उसी कैटेगरी में आते हैं. ये सारे के सारे ना सिर्फ कोरोना वायरस को फैला सकते हैं, बल्कि आपके ऊपर कोरोना वायरस का जो सीरियस डिजीज है वो ला सकते हैं. जहां आपका रिस्क यंग आदमी होने का, यंग आदमी का जो रिस्क बड़ी मुश्किल से 0.5% है. जी हाँ, एक यंग 20, 25, 30, 40 साल के आदमी का 0.5% रिस्क है कोरोना वायरस से मरने का, वो स्मोकिंग करके अपना रिस्क 7% तक ले जा सकता है, 10% तक बढ़ा सकता है. मतलब कितना परसेंट बढ़ गया? 20 गुना. मजाक नहीं है, दिस इज डेंजरस. डू नॉट स्मोक, आज भी नहीं, कल भी नहीं, आगे भी नहीं. और कंडीशन दैट इंक्रीज ऑक्सीजन नीड और रिड्यूस द एबिलिटी ऑफ द बॉडी टू यूज इट प्रॉपरली विल put the patient at higher risk of serious lung conditions, that is pneumonia. So smoking is dangerous. Smoking ना सिर्फ आपके शरीर को जितना पहले आसानी से ऑक्सीजन अंदर जाता था उतना ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत करवाएगा, तो खराब है. ऑक्सीजन ज़्यादा चाहिए कहाँ से लाओगे जब लंग्स में कोरोना भी है, स्मोक भी है, वेरी डेंजरस. और इट विल पुट यू एट अ हाई चांस कि आपको क्या होगा, कॉम्प्लिकेशन हो सकता है. सो दैट इज इट. और अगर आप परसेंटेज वाइज, स्टडीज वाइज की बात करेंगे, तो एज सच देखो, इतनी जल्दी नया बीमारी है, इतनी जल्दी डेटा तो नहीं आने वाला कि हाँ स्मोकिंग से ही मरे हो, जो स्मोकिंग नहीं कर रहे होते तो बच गए होते. भाई आप, दिमाग तो है ही आप में, है कि नहीं, कि थोड़ा सा सोच सको कि नहीं, ऑब्वियसली स्मोकिंग नहीं करनी चाहिए. सो लेकिन एविडेंस ज़्यादा सजेस्ट करता जा रहा है. न्यू इंग्लिश मेडिकल जर्नल में फेब्रुअरी में 1099 पेशेंट्स की स्टडी हुई थी चाइना में. उसमें सिवियर सिम्टम्स होने वाले पेशेंट्स थे 173. उसमें से 17% स्मोकर थे, 17% लोग स्मोकर थे, 5.2% लोग ऐसे थे जो पहले स्मोक कर चुके थे. मतलब अप्रोक्सीमेटली 25% लोग स्मोकिंग के वजह से और सीरियस हुए. और जो पेशेंट्स जो लेस सिवियर सीरियस सिम्टम्स है, उसमें 11-12% स्मोकर थे, और जो फॉर्मर स्मोकर 2% थे. तो स्मोकिंग कुछ हद तक तो आपका रिस्क बढ़ाता है. अब ये भी डिपेंड करेगा कितने साल से कर रहे हो, कितने कर रहे हो, एक्सेट्रा. सो डोंट थिंक लाइक दैट कि स्मोकिंग, एक सिगरेट से मर जाऊंगा या अब क्या करूं सर. अब देखो, आगे की जिंदगी बचाओ, आप जो हो गया हो गया, आगे सही करो, अनुलोम विलोम करो, व्यायाम करो, है ना, अच्छा अपना सांस
सांस की एक्सरसाइज करो, खुद की एक्सरसाइज करो, राइट, स्मोकिंग छोड़ो, स्मोकिंग छोड़ने का तरीके देखो, उस पर वीडियो है हमारे, उस पर काम करो, राइट. और याद रखिए, डेथ रेट में भी अगर देखें, जो ग्रुप ऑफ पेशेंट जिनको मैकेनिकल वेंटिलेशन चाहिए था और जो इंटेंसिव केयर में गए और उसमें फिर अल्टीमेटली नहीं बचा पाए उनको, उनमें से भी 25.5% एक्चुअल करंट स्मोकर्स थे. 25% लोग स्मोकर थे. तो स्मोकिंग इज एक्चुअली बैड. आपको स्मोकिंग में कतई भी अपना वो नहीं करना चाहिए. इट इज़ नॉट गुड फॉर यू. और स्मोकिंग से और भी बहुत सारे एविडेंस है. स्मोकिंग के अंदर पेशेंट्स जो स्मोक करते हैं ना, उनमें पुरानी जो मर्ज और सार्स वायरस थी उसमें भी काफ़ी डैमेज होता था. जो स्मोक करते थे वो उनसे भी सर्वाइव नहीं कर पाते थे उस क्योंकि वो पुरानी बीमारी है. तो उस पर अच्छी स्टडीज हो रखी है. तो उसमें हम बेसिक बता सकते हैं कि स्मोकर्स के अंदर जो था वहाँ पर एक प्रोटीन था जिसको DPP4 नाम का प्रोटीन बोलते थे, विच इज़ ऑल्सो अ रिसेप्टर फॉर मर्ज वायरस. जो कि DPP4 प्रोटीन रिसेप्टर्स है वो स्मोकर्स के अंदर ज़्यादा है. तो मर्ज वाले वायरस स्मोकर्स के लिए और ज़्यादा डेंजरस हो जाता था. सार्स के अंदर जो रिसेप्टर है वो ACE2 रिसेप्टर है. लेकिन अभी फिलहाल स्मोकर के अंदर ये ACE2 रिसेप्टर ज़्यादा है या नहीं है ये नहीं बोल सकते. स्मोकर ACE2 रिसेप्टर अपरेगुलेशन देखा जाता है कोई भी रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम में, तो रेस्पिरेटरी स्मोकर्स में थोड़ा सा मान लीजिए कंट्रीब्यूट करेगा. और साथ में कई पेशेंट जो ब्लड प्रेशर की दवा ले रहे हैं, ब्लड प्रेशर के पेशेंट जो ACE इनहिबिटर्स लेते हैं, वो भी ACE इनहिबिटर्स के, क्या होता है, हम ACE रिसेप्टर को इनहिबिट कर रहे हैं दवाई से ब्लड प्रेशर की. अब वो दवाई लेते हुए साल हो गया, दो साल हो गया, तो क्या हो जाता है, शरीर ACE रिसेप्टर जो है जिसको इनहिबिट कर रहे हैं थोड़ा ज़्यादा बनाने लग जाती है. तो आपके शरीर में रिसेप्टर ज़्यादा है. इसका मतलब ये नहीं कि आप मरी जाओगे, ऑब्वियसली फिर कोरोना वायरस आएगा तो घुसेगा. रिसेप्टर ज़्यादा है तो ज़्यादा घुस जाएगा, वो चीज़ है, ज़्यादा आसानी से आपको इन्फेक्ट कर जाएगा. सो एक हाइपरटेंशन का पेशेंट, हाई बीपी की दवा लेने वाला पेशेंट जो सालों से ले रहा है, आज बंद भी कर दोगे तो बचोगे नहीं, ऐसा कुछ नहीं है. आज तक लिया है और इस बढ़ाएगा. अब सिर्फ प्रोटेक्शन है, दवाई बंद मत करना बीपी की, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट. सो रिमेंबर दैट. इस पर एक अलग से हम डिटेल वीडियो भी बनाएंगे ब्लड प्रेशर और कोरोना वायरस को प्रॉपर एक्सप्लेन करते हुए. नॉट दैट इतनी सी वीडियो में सब कुछ तो नहीं बता सकते. सो कोरोना वायरस के सारे वीडियो देखिए, समझिए पॉइंट को, क्या हिसाब है, क्या 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 है. और याद रखिए, स्मोकिंग खुद से भी बॉडी के अंदर इन्फ्लामेशन करती है, एयरवे के अंदर इन्फ्लामेशन करती है, बीमारी भी एयरवे के अंदर इन्फ्लामेशन करती है. सो ये एक डेंजरस चीज़ है. ये भी बात है कि जो लोग स्मोकिंग छोड़ देते हैं, इवन थोड़े छोटे पीरियड, हफ्ते भर के लिए, दो हफ्ते भर, तीन हफ्ते हो गए स्मोकिंग छोड़ दिया, तब भी आपको लंग्स में हीलिंग होते हुए दिखती है बहुत क्विकली. तो अगर घर में सिगरेट पड़ी है तो फेंक दो. अगर आपके हस्बैंड या गर्लफ्रेंड, हस्बैंड, बॉयफ्रेंड कोई सिगरेट पीता है तो उसको अपनी जानू वानू की कसम दे के फेंक दो या फिर डरा के फेंक दो, आई डोंट केयर. स्मोकिंग बंद हो जानी चाहिए. ओके, गवर्नमेंट ने बैन कर देनी चाहिए, पर भाई साहब गवर्नमेंट को और भी बहुत सारे काम है, पैसे भी तो कमाने हैं उन्होंने. एनीवेज, सो स्मोकर जो स्मोक नहीं करते गलती से भी स्मोक ना करें, और जो स्मोक करते हैं स्मोकिंग से बचें, और जो ये वीडियो देख रहे हैं सारे वीडियोस आगे शेयर करें. और जो जो ये क्राइसिस का टाइम है, इसमें छोटी से छोटी गलती आपको नुकसान दे सकती है, अपने आप को बचाएं, बहुत ज़रूरी टाइम है. सो थैंक यू सो मच. इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस प्लीज़ डू आस्क, वी आर हियर टू आंसर.